नमस्ते दोस्तों, आपके YouTube चैनल ओनली फॉर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ्स के डिस्कस करते हैं। मैथ्स के ही नहीं, मैथ्स के साथ हमारी हिंदी, साइंस एंड एमपी जीके की सीरीज़ भी चल रही है। तो आप कृपया करके हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। चलिए हम आज की सीरीज शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है और हमारी सीरीज का 11वां प्रश्न है, ठीक है ना? क्योंकि 10 प्रश्न तो हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप नए हैं तो मैं पिछली वीडियो की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पर जाइए और हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है कि दी गई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि संख्या श्रेणी किस प्रकार से चल रही है। तो देखिए यहाँ 6, 12, 36, इस संख्या श्रेणी को बढ़ते हुए देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि कोई प्लस वाली सीरीज तो है नहीं, ये है इनटू वाली सीरीज। तो चलिए इनटू करके देखते हैं। 6 का अगर 2 में इनटू करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 36 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपकी मैथ्स धीमे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इनटू कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ सीरियल वाइज गुणा हो रही है, यानी कि यहाँ किसका गुणा होगा, 5 का, ठीक है ना? अब 144 में अगर हम 5 का गुणा कर रहे हैं तो हमको सामने दिख रहा है कि 722 तो आएगा ही नहीं, यहाँ 722 के स्थान पर कोई और संख्या आएगी। चलिए मैं आपके सामने गुणा करके बता देता हूँ कि 144 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हासिल आएगी, 2, फिर 5 चौक 20, 20 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 2, और 2 हासिल फिर से आएगी, 5 एकम 5, 5 और 2 7, यानी कि यहाँ 722 नहीं आएगा, 720 आएगा, यानी कि यहाँ पर 722 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो 720 में फिर से 6 का गुणा कीजिए। सीरियल के हिसाब से अगर हम संख्या श्रेणी को लेकर चलेंगे तो 720 में अगर 6 का गुणा करते हैं तो 43 20 आ जाएंगे, 43 20 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 30 240 आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज की वीडियो का और हमारी सीरीज का 12वां प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल यदि 27 56 है तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ हम सिंपल ट्रिक अपनाएंगे कि लास्ट डिजिट हम इसमें लेंगे, लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, और ये क्या बोल रहा है कि क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब एक होगी तो वो 2 होगी, 2 होगी तो 3 होगी, और 3 होगी तो उधर 4 होगा। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि 2 और 3, 1 और 2 का अगर हम गुणा करते हैं तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके विपरीत अगर 2 और 3 का गुणा करते हैं तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं कि 4 और 5 का गुणा करेंगे, 5 और 6 का गुणा करेंगे, 6 और 7 का करेंगे, 7 और 8 का करेंगे। तो 7 और 8 का गुणा कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, लास्ट में 7 और 8 56 आ रहा है, यानी कि लास्ट की उसकी भी इकाई संख्या जो है वो 6 आ रही है। उसके बाद 8 और 9 का करेंगे, 9 और 10 का करेंगे, तो यहाँ अपने को 2 जोड़े मिल रहे हैं, 2 और 3, यानी कि लास्ट डिजिट जो होगी वो हमारी 2 3 या 7 8 में से होगी। तो अब यहाँ देखिए आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, लास्ट डिजिट 3 दे रखी है, 2 2 रखी है, 7 और 8 में से तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो ये अपने आप ही अलग हट जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है उसने कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो अपने को पता है कि बड़ी संख्या 52 और 53 में से बड़ी संख्या क्या होगी, 53 होगी। आप चाहो तो 52 और 53 का गुणा करके देख सकते हो, 27 56 ही आंसर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि x² + 15x + 56 के मूल है। तो यहाँ मैंने आपको इस प्रकार की इक्वेशन पिछली वीडियो में भी सॉल्व करके बताई थी, यहाँ फिर से बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि 15 को 2 भागों में बांटेंगे, +7 एंड +8 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए, तो 7 और 8 56 आता है। और हम इसको ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करते हैं, जो हमारे मूल होते हैं, जो हम
निकालते हैं यहाँ उन्हीं के चिन्ह बदल देते हैं, वही हमारे आंसर हो जाते हैं, यानी कि -7 एंड -8 जो है वो हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के कोण जो है 1:2:3:4 के अनुपात में, चतुर्भुज के जो कोण है वो 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा? तो आपको पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो हमको पता है कि बड़ा कोण कौन सा होगा, यहाँ सामने दिख रहा है जो अनुपात 4 में है ना वही बड़ा होगा, तो हमको चाहिए अनुपात में किस संख्या का गुणा करें, तो वो संख्या हम निकाल लेंगे। इन सभी अनुपातों का योग करके उस योग का हम 360 में भाग देते हैं, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि हम 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, 36। अब 36 का हम 1 में इंटू करेंगे तो पहला कोण आ जाएगा, 2 में इंटू करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, 3 में इंटू करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, और 4 में इंटू करेंगे तो चौथा आ जाएगा। हमको सामने दिख रहा है कि बड़ा कोण कौन सा होगा जिसमें हम 4 का इंटू करेंगे, तो अब यहाँ इंटू कर लेते हैं, आप इंटू कर लीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 144 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये किस प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो प्रश्न ले रहा हूँ ये मध्य प्रदेश की पुरानी एग्जाम्स में से पूछे गए प्रश्नों में से ही एक है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि लेवल थोड़ा चेंज हो गया है, वो वाले सरल प्रश्न अब नहीं पूछे जाते, तो आप थोड़ा अपना लेवल बढ़ाइए और इन सवालों से पीछे मत हटिए, क्योंकि ये सवाल अगर आपको एक बार आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मैथ्स के सारे नंबर पूरे पूरे आएंगे और आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले मैं आपको वृत्त बना के बताता हूँ, वैसे तो बिल्कुल वृत्त वृत्ताकार होता है, मैंने वृत्ताकार नहीं बनाया है, लेकिन आप समझ सकते हैं वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर, ये इतनी दूरी जो है वो मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। जीवा किसको कहते हैं, जीवा होती है जो परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करती है वो जीवा कहलाती है, यानी कि ये जीवा की लंबाई क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, और यहाँ इससे दूरी क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात करने के लिए हमको ज्ञात करनी पड़ेगी वृत्त की त्रिज्या, जो कि होगी ये। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या है, इस त्रिभुज का जो कर्ण है वही वृत्त की त्रिज्या है, तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पर ध्यान रखिए आधार जो है यहाँ पर इतना इतना ही है, जिसका मान जो है वो 5 है, यानी कि 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25, दोनों का योग 169, इसका जो अंडर रूट होगा, इसका अंडर रूट होगा 13, तो 13 जो हो जाएगी वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, हमारा इस त्रिभुज का कर्ण जो है वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी, और हमको ज्ञात करना है व्यास, व्यास जो होता है इसका दुगुना होता है, यानी 26 हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं आंसर दे रखा है हमारे ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये कैलकुलेशन है। अब देखिए, यहाँ आप 106 में 106 का गुणा करने की गलती मत कीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है सीधा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी मतलब 106 में 94 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 200, 200 इंटू ए माइनस बी, यानी कि 106 में से 94 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12। अब 12 का 200 में गुणा करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2400। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर, तो सबसे पहले देखिए श्रेणी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, 33, 48, 65, 84, ये जो है ये योग वाली श्रेणी है, क्योंकि इसमें संख्याएं जो है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, गुणा वाली श्रेणी तो हो ही नहीं सकती कहीं से कहीं तक, तो चलिए देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 15, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 17, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 19, यानी कि यहाँ
15, 17, 19 तो यहाँ क्या जोड़ेंगे हम, 21 जोड़ेंगे। सामने दिख रहा है कि सब में दो दो का डिफरेंस है, उस हिसाब से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर, 105, 105। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हम कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियो अगर बड़ी होती है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने कैलकुलेशन अपने स्तर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम। दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:4 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस को अनेक मेथड से किया जा सकता है, जो मेथड हमको सरल पड़ती है हम वो मेथड आपको बताते हैं, जो आपको भी अच्छे से समझ में भी आ जाए और सरलता से हो जाए। तो यहाँ सामने दिख रहा है कि 3 वर्ष में क्या हो रहा है, अनुपात 1 बढ़ रहा है, 3 से 4 हो रहा है, इधर 4 से 5 हो रहा है, और यहाँ 21 वर्ष जो है वो 3 का कितना गुना है, 7 गुना है, यानी कि 21 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें 7 का ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो 7 और 3 10, और 7 और 4 11, यानी कि ये अनुपात क्या हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि 3 वर्ष में अगर ये सिर्फ 1 अनुपात आगे खिसक रही है तो 21 वर्ष में कितने अनुपात आगे खिसकेगी, 7 अनुपात। तो इसमें से हमने डायरेक्ट ही कर लिया है, आप चाहो तो इसको विधिवत एक्स मानकर भी सॉल्व कर सकते हो, यही आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज का नवा और हमारी सीरीज का 19वां प्रश्न। कोई राशि कितने वर्ष में 6.25% साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा कि पी इंटू आर, आर क्या है यहाँ पर 6.25। देखिए मैं 6.25 नहीं लिख रहा हूँ बल्कि बटे में डायरेक्टली दशमलव हटाकर बटे में 2 जीरो लगा रहा हूँ। हाँ तो मूलधन गुणित दर गुणित समय, तो अब समय तो अपने को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क है, कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। दुगनी कब होगी, जब वो ब्याज उसका क्या हो जाएगा, उस मूलधन के बराबर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ अगर वो दुगनी का बोल रहा है तो यहाँ आपको सिर्फ पी रखना है, ऐसा नहीं कि आप 2 पी रखो, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या होता है, यहाँ पर ब्याज का आंसर आता है, तो यहाँ जो भी दुगनी का बोल रहा है यानी कि 2 पी हो जाएगी, तो 2 पी क्या हो जाएगा, वो मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन में से आपको मूलधन को माइनस करके यहाँ पर लिखना होता है, तो 2 पी में से पी को माइनस करके मैंने यहाँ लिखा है पी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो पी से पी कट जाता है और आप पाते हैं, सॉरी यहाँ बटे में 100 भी आएगा, क्योंकि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 आएगा। 25 से अगर आप इसको काटोगे तो 25 चौक 100, और 25 यहाँ फिर से बचेंगे उनको फिर से काटोगे तो 25 चौक 100, यानी कि ये जो है 4 चौक 16 जो है 16 वर्ष का हमारा आंसर आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। एक आदमी एक वस्तु को 64 रुपये में बेचकर क्रय मूल्य का 1/7 भाग लाभ प्राप्त करता है, यदि वह 63 रुपये में वही वस्तु बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दे ही नहीं रखा है, तो क्रय मूल्य सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 64 रुपये अगर उसका विक्रय मूल्य होता है तो उसको 1/7 भाग लाभ होता है, मतलब अगर उसका क्रय मूल्य एक्स होगा तो उसको लाभ कितना प्राप्त होगा, 1/7, ये इतना लाभ होगा, और ये क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, जो कि हमको 64 दे रखा है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक्स का आंसर क्या आता है, 56 आता है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी कि 56 क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, 56 क्रय मूल्य है। और अगर वो इसको 63 रुपये में बेचता है यानी कि 63 रुपीज़ में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता होगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है ना। तो लाभ कितने का हो रहा है देख लो, आप इन दोनों को माइनस कर लो, लाभ हो रहा है 7 रुपये का, बटे क्रय मूल्य कितना है, 56 है, गुणित हम कर लेंगे 100। अब आप इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5%। चलते हैं, सॉरी आज की हमारी वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।